ये इस वाले में 16 गेट है। जंक्शन से पहले ऐसा कुछ दिखता था, एक अंदर सीन भी हो गया था। अभी मैं ऊपर से नीचे आ चुका हूँ और बीच में एक अशोक स्तंभ है। इस वाले रूम में कुछ डैम के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये रहा, ये इस वाले में 16 गेट है जो कल दिखाया था मैं। इसमें 16 गेट है। इधर से बहुत ज़्यादा फोर्स था और ये दो पुल थे। मैं इस वाले पुल से आया था, मैं पास वाले पुल से आया था इधर से, और फिर उसके बाद से ढलान से उतर के मैं इस साइड आया हूँ। इस साइड में दोनों गेट घूम चुका हूँ। ये पूरा पार्क था, ये पूरा पार्क भी घूम चुका हूँ। देन उसके बाद से मैं वॉच टावर पे हूँ। ये वाला, ये है वॉच टावर, ये वाला इस पहाड़ी के ऊपर, और यहीं से ये डैम स्टार्ट हुआ है। और ये डैम का कुछ पानी का कुछ नक्शा हुआ बना हुआ है, पूरा मॉडल है। और ये कुछ जब डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तब का फोटोज है। ये जब प्रोसेस में था काम, ये 1934 से पहले का है फोटोज, इसलिए सब ब्लू में है, ब्लू प्रिंट है। यहाँ के कुछ इंजीनियर्स और किस किस तरीके से इस डैम को बनाया गया था उसके बारे में पूरा नॉलेज है इधर। साइट ऑफ डैम बिफोर कंस्ट्रक्शन, भी कंस्ट्रक्शन से पहले ऐसा कुछ दिखता था। ये अंदर कंस्ट्रक्शन है वॉल। लगभग 100 साल पुराना ये होगा फोटोस, 1934 में ये बन के तैयार हुआ। तो निकलते हैं इधर से। ओके, थैंक यू सर। इधर से राउंड करके जा सकते हैं, इधर से। ओके, थैंक यू। तो अभी पूरा घूम चुका हूँ, अब निकल रहा हूँ अपना साइकिल के पास। साइकिल उठाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, नहाऊँगा, खाना खा के फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो यार अभी मैं पूरा एक्सप्लोर करके और शॉर्टकट लेकर नीचे जा रहा हूँ जो कि नज़दीक ही है। मैं उधर से 2 किलोमीटर घूम के आया था इधर, जो हालत ख़राब हुआ। मैं इधर 100 मीटर में पहुँच जाऊँगा उसी जगह पे। मैं गूगल मैप चेक ही नहीं किया, मैं वैसे ही लोगों से पूछ के आने लगा, लोगों ने मुझे उधर भेज दिया। तो मैं गूगल मैप चेक किया होता तो ये शॉर्टकट मुझे मिल गया होता पैदल वाला। तो ये पकड़ के मैं जा रहा हूँ नीचे अब। और जो अंदर सर थे वो आर्मी रिटायर थे और उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम ये मोबाइल हाथ में लेकर। तो मैं बोला कि अभी मैं ऑल इंडिया साइकिल टूर कर रहा हूँ। तो उन्होंने, उनको सब पूरा अपना बताया कि कैसे कैसे क्या कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा, वो बोले कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और वो वीडियो में आने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे, वो बोल रहे थे कि हम अभी ड्यूटी टाइम पे हैं तो इसलिए मैं वीडियो में नहीं जा सकता हूँ। लेकिन उन्होंने उस तरफ से बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लास्ट में एक अंदर सीन भी हो गया था, तो सर ने क्या हुआ, मैं टिकट लेकर अंदर गया तो सर उस पर एंट्री नहीं किए थे। तो अंदर जब मैं उनको टिकट दिखाया तो बोले कि इस पर एंट्री नहीं है। तो फिर उन्होंने फ़ोन करके और एंट्री किया और देन उसके बाद से मैं अंदर गया। तो अच्छा था,
माता कावेरी का दर्शन हुआ है बहुत अच्छे से, एकदम ऊपर से जाके अच्छे से दिखा दिया हूँ। और आशा करता हूँ ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।